सत्या बना पाखी 2.0 कैसे, तो आप देख लीजिए जिस तरह से सत्या का एटीट्यूड हो रहा है उसे देखकर अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्या बिल्कुल पाखी बन गया है। जी हाँ, जैसा कि आप सबने देखा ही था कि शुरू में ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आने वाले वक्त में सत्या जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्या जो है वो कितना ज़्यादा नफरत करता नज़र आ रहा है विराट से, वो बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा है सई और विराट को। इधर सई और विराट जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जहां पर सई को अपनी गलती का एहसास हो चुका है वहीं पर विराट ने भी मन बना लिया है कि वो सई से दूर रहेगा। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सई से दूर रहे। अब आप देखने वाले हैं कि सत्या जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव तो हो ही चुका है और अब वो सई और विराट को अलग करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग भी करने वाला है। हालांकि आपको पता ही है कि एंड ऑफ द डे सई और विराट मिलने वाले हैं और इसी के साथ ही साथ सई और विराट का एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा, जिसके बाद सई और विराट की कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और फिर सभी और वीनू की नई कहानी शुरू होगी और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आप सबको देखने को मिलने वाले हैं। सई और विराट की द एंडिंग को लेकर फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जिस तरह से सई और विराट का मिलना दिखाया गया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं फैंस को एक उम्मीद जगी थी कि फाइनली सई और विराट एक हो चुकी हैं, लेकिन उसी के बाद ही यहाँ पर जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है और फिर सई और विराट की कहानी जो है वो ख़त्म होती नज़र आने वाली है। ये देखकर फैंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से सत्या की हरकतें हैं उसे देखकर फैंस को काफ़ी अजीब लग रहा है कि वो लगता है पूरी तरीके से पाखी की सारी चीज़ों को करता नज़र आ रहा है। जिस जैसे पाखी किया करती थी वैसे वैसे सत्या भी कर रहा है। आप देख सकते हैं सत्या के एक्सप्रेशंस जो है वो बिल्कुल पाखी जैसे ही हैं, तो इस तरह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सत्या ने जो है वो पाखी की जगह ले ली। यहाँ पर पाखी भले ही नहीं है लेकिन सत्या जो है वो उस कमी को पूरी तरीके से पूरी करता नज़र आ रहा है। ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्या को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है सई और विराट को एक साथ। यहाँ पर सई जब नाले में गिर जाती है तो विराट जो है वो नाले से सई को बाहर निकालता है और उसकी खैरियत पूछता है, लेकिन ये बात जो है वो सत्या को बिल्कुल हज़म नहीं होती और फिर वो विराट को थैंक यू कहता है मेरी वाइफ की जान बचाने के लिए। और फिर यहाँ पर जो विराट है वो मन ही मन सोचता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए सई की ज़िंदगी से चला जाएगा, वो उसके सामने नहीं आएगा। लेकिन आपको पता ही है कि कहानी कहाँ जाने वाली है, सई और विराट जो हैं वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं और फिर मिलकर हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाले हैं। ये अलग बात है कि दोनों साथ में ही हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाले हैं, यहाँ दोनों की साथ में एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी और इसके बाद कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।